अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? बढ़िया। वेलकम टू शायद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा ये जो क्लास है, यस माय डियर यू राइट, इट इज फॉर फिफ्थ सेमेस्टर। क्योंकि आप लोगों को पता है फिफ्थ सेमेस्टर को लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियोस जो है वो अपलोड करके रखे हैं, एंड उसके बाद जब मुझे नया सिलेबस मिला तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि ये जो दो यूनिट्स आपके सिलेबस में एड हुए हैं वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखो बेटा, मैं दो चार दिन से क्लास नहीं दे रहा हूं। मैंने ऑलरेडी आपको कमेंट सेक्शन में ही बता दिया था कि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। यस्टरडे भी मैंने आपके साथ ये बात की थी कि मैं मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह दिस टाइम आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह, आई एम वेरी मच फाइन। ओके, तो बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर, आज हमारा पहला लेक्चर होगा, पहला यूनिट। तो सिलेबस की एनालिसिस मैंने ऑलरेडी आपके साथ की हुई है। आपके सिलेबस के अंदर चार यूनिट्स हैं, ठीक है, और वो चार यूनिट जो है इसमें से दो यूनिट्स ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में मौजूद है। अगर अल्लाह ने चाहे तो वो चार के चार यूनिट्स हम पढ़ेंगे, और अगर नहीं तो आपको दो यूनिट्स ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में बेटा अवेलेबल है, आप जाके वहां से वो देख सकते हो। लेकिन जो दो यूनिट्स हमारे पास अभी है, पहला यूनिट और सेकेंड यूनिट, तो जो पहला यूनिट हमारा है दैट इज प्री प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है माय डियर, एंड सेकंड यूनिट जो हमारा है दैट इज एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, ये दो यूनिट्स। फिर आपका तीसरा यूनिट जो है दैट इज सेकेंडरी एजुकेशन, एंड देन फोर्थ यूनिट जो आपका है दैट इज हायर एजुकेशन, राइट। तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसा ही है, प्री प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, बात करेंगे आगे। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट लेक्चर, बिफोर आई स्टार्ट योर क्लास, तो बेटा जल्दी से डिस्क्रिप्शन खोलिए। डिस्क्रिप्शन मैंने एक व्हाट्सएप लिंक दिया है और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए खाली, प्लीज बेटा। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन आप पहले सुनो ये ग्रुप किन के लिए है। अननेसेसरीली आप लोग जो है वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। ये ग्रुप जो मैं आप लोगों के लिए मतलब डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, इट इज ओनली फॉर फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स, चाहे वो साइकोलॉजी से बिलोंग करता हो या एजुकेशन से बिलोंग करता हो। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड क्लिक ऑन द लिंक, तो वो फिफ्थ सेमेस्टर के रिलेटेड लिंक अवेलेबल है, चाहे आप साइकोलॉजी के साथ बिलोंग करते हो या एजुकेशन के साथ बिलोंग करते हो। ओनली ओनली फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओनली 53 स्टूडेंट्स जिन्होंने लिंक को ज्वाइन किया है। आई डोंट नो व्हाई आर यू ओनली 53 स्टूडेंट्स, हाँ आई एम टॉकिंग टू फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स। तो बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा मेरी चैनल को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, और हाँ बहुत सारे अभी भी बच्चे हैं जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो जाके जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि शायद सर की क्लास में कोई फायदा नहीं है, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो आप लोग मेरी चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर जाके अगर फिर से इरादा हुआ तो फिर भी आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए भाई, हमारा जो टॉपिक है फिफ्थ सेमेस्टर का, दैट इज इश्यूज एंड ट्रेंड्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। ये वाला जो सिस्टम है हमारा, इट इज रिलेटेड विद एजुकेशन स्ट्रक्चर, राइट। तो हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर ये माना हमने, दिस इज एजुकेशन। तो अगर हम बेटा हर किसी, चाहे आप किसी भी कंट्री की बात करो, चाहे इंडिया की बात करो, चाहे फॉरेन में जो भी जितने भी कंट्रीज हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। तो चलते बेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, वी हैव प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी, वेरी गुड। आगे आगे बात करेंगे, पहले हम आपको समझाएंगे कि एजुकेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, पैटर्न का मतलब क्या है, एजुकेशन को किस कितने स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, एंड नंबर सेकंड, व्हेन यू कंप्लीट द प्री प्राइमरी एजुकेशन,
और देखो जब हम प्री प्राइमरी एजुकेशन डिस्कस करेंगे ना, वहां पे बहुत सारे इश्यूज है कि प्राइमरी एजुकेशन को, प्री प्राइमरी एजुकेशन को इन्होंने किस तरह से डिफाइन किया, एज को लेकर, ड्यूरेशन को लेकर, कॉस्ट को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, मेथड को लेकर, बहुत सारी बेटा डेफिनेशन है जिससे आप प्री प्राइमरी एजुकेशन को डिफाइन कर सकते हो। देखो बेटा, आई नीड योर अटेंशन, आई नीड योर इंटरेस्ट, राइट? आर यू रियली इंटरेस्टेड इन माई क्लास? तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो आज से कोशिश करेंगे, देखो मैं वादा तो नहीं करूंगा ना, तो मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आपके रेगुलरली क्लासेस होने चाहिए, है ना, रेगुलरली क्लासेस होने चाहिए। क्या पता मार्च में या अप्रैल में आपका एग्जाम हो, ठीक है? तो हम आपसे वादा करते हैं, चाहे हम रेगुलर क्लास दें या ना दें, बट आप लोगों का सिलेबस जो है वो इंशाल्लाह आपको कवर करके रखेंगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जुड़े रहना है अपने शायद सर के साथ और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक? तो प्री प्राइमरी एजुकेशन इज द फर्स्ट स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ एनी एजुकेशन सिस्टम, चाहे हम इंडिया की बात करेंगे या किसी और कंट्री की बात करेंगे। एंड देन माय डियर, वी हैव एलिमेंट्री एजुकेशन, बोलो, या आप बोल सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन। सो नाइस, प्राइमरी एजुकेशन, इट इज द सेकेंड यू नो स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ठीक? एंड आफ्टर दैट एज यू नो वी हैव अनदर सिस्टम दैट इज सेकेंडरी। गुड, सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन। एंड लास्ट माई डियर, वी हैव, यस वी हैव हायर एजुकेशन, वी हैव हायर एजुकेशन। अब देखो कॉमन चीज, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप सिलेबस देखते हो ना, एक ही चीज वहां पे मुझे कॉमन मिली, प्राइमरी एजुकेशन की मीनिंग, नीड एंड इंपॉर्टेंस एंड प्रॉब्लम्स। तो यहां पे भी आपको मीनिंग देखना है, नीड एंड इंपॉर्टेंस देखनी है और प्रॉब्लम्स देखनी है रिलेटेड टू प्री प्राइमरी एजुकेशन। और यहां पे भी आपको मीनिंग, नीड एंड इंपॉर्टेंस एंड प्रॉब्लम्स देखना है, स्टैग्नेशन, है ना, वो एनरोलमेंट पाउचर, यूनिवर्सलाइजेशन, वो सारी चीजें आपको प्री प्राइमरी एजुकेशन में देखनी है। इसी तरह बेटा सेकेंडरी एजुकेशन की मीनिंग देखो, सेकेंडरी एजुकेशन का नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है और सेकेंडरी एजुकेशन का प्रेजेंट स्टेटस क्या है और इसके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना है, ठीक? एंड देन अगेन वी हैव हायर एजुकेशन, यहां पे भी आपको मीनिंग बताना है, नीड एंड इंपॉर्टेंस बताना है, क्वालिटी कंट्रोल, बहुत सारे प्रोग्राम्स बताना है जो कि हायर एजुकेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक? तो ये था, ये चार यूनिट्स बेटा आपको कवर करने हैं आपके फिफ्थ सेमेस्टर क्लास में, ठीक है? तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पहला तो आज थोड़ा मीनिंग पे ज्यादा जोर देते हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन जितना हम आपके साथ शेयर करेंगे, जितना हम लोग पढ़ेंगे वो अच्छे से पढ़ेंगे, वो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, चाहे आप किताब पढ़ो या ना पढ़ो, फिर भी मेरे लेक्चर से आपको वो जहन में रहना चाहिए। और हाँ माय डियर, मेरे ऐप पे, जो मेरी ऐप है शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट, वहां पे फिफ्थ सेमेस्टर के ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल है, तो आई रिक्वेस्ट यू डोंट बाय देम, उनको परचेज मत करो बेटा, मत करो बेटा, क्योंकि वो एज पर योर लेटेस्ट सिलेबस नहीं है, उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत वक्त चाहिए और जब वो मैं कंप्लीट करूंगा, कंपाइल करूंगा, तब जाके मैं अनाउंस करूंगा कि आपको वो नोटिस कब परचेज करने हैं। यू गॉट माय पॉइंट, थैंक यू। ओके नाउ अब बात करेंगे बेटा यूनिट नंबर फर्स्ट की। यूनिट नंबर फर्स्ट जो है, we have to study all about pre-primary education, right? Yes, okay. Pre-primary education को पढ़ने से पहले देखो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आ गए, मैं कितने साइकोलॉजिस्ट का नाम बताऊं, या फिलोसफर की अगर हम बात करेंगे पहले, अगर हम प्लेटो की बात करेंगे, उन्होंने सबसे पहले इंपॉर्टेंस बताई थी किस पीरियड को, प्री प्राइमरी पीरियड ऑफ एजुकेशन को, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप बेस बनाना चाहते हो बच्चे की, तो इसको प्री प्राइमरी एजुकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, अर्ली चाइल्डहुड ऑफ एजुकेशन है, इट इज फाउंडेशनल, इट इज बेसिक एंड इट इज अ ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। So because it is a growing period of the child, यहां पे इंसान जल्दी जल्दी चीजों को रिटेन करता है, इसलिए प्री प्राइमरी एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो अगर हम कोठारी कमीशन की भी बात करेंगे, कोठारी कमीशन क्या था, अगर आप बच्चे को इंटेलेक्चुअल बनाना चाहते हो, अगर आप बच्चे को इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहते हो, अगर आप बच्चे को हेल्दी बनाना चाहते हो, तो प्री प्राइमरी एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, प्री प्राइमरी एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ हेल्दी डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। सो माय डियर, रिमेंबर कोठारी ने क्या कहा, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो ये तीन डायमेंशंस, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्री प्राइमरी एजुकेशन। सो नाइस ऑफ यू माय डियर। नाउ अब देखिए, अभी मैं यहां पे थ्री बॉक्सेस लिखूं बताऊंगा यहां पे, इट इज फर्स्ट, इट इज सेकेंड एंड इट इज थर्ड माय डियर। ओके, मैं खाली तीन लिखूंगा यहां पे। तो देखो यहां पे मैं लिखूंगा प्री प्राइमरी, यहां पे मैं लिखूंगा प्राइमरी, और यहां पे मैं लिखूंगा पोस्ट प्राइमरी। सो नाइस ऑफ यू, पोस्ट प्राइमरी। यहां पे मैंने लिखा क्या, शाबाश, यहां पे मैंने लिखा प्री प्राइमरी, यहां पे मैंने लिखा प्राइमरी, और यहां पे मैंने लिखा पोस्ट प्राइमरी। सही है ना, प्री का मतलब है बिफोर, पोस्ट का मतलब है आफ्टर। देखो, बिफोर यू एंटर इनटू द प्राइमरी एजुकेशन यू हैव टू बी गिवन वन एजुकेशन बिफोर प्राइमरी, दैट इज प्री प्राइमरी, दैट इज प्री प्राइमरी। अब ये प्री प्राइमरी क्या है, तो देखो भाई, प्री प्राइमरी का मतलब है बिफोर यू एंटर इनटू द प्राइमरी क्लास यू हैव टू अंडरगो वन मोर एजुकेशन, दैट इज योर प्री प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन से पहले की एजुकेशन को क्या कहते हैं, प्री प्राइमरी एजुकेशन। और बहुत सारे, अगर हम कंट्रीज की बात करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करेंगे, जापान की बात करेंगे, फिनलैंड की बात करेंगे, जर्मनी की बात करेंगे, वहां पे अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा प्री प्राइमरी एजुकेशन को लेकर। कभी आपने नाम सुना होगा नर्सरी एजुकेशन, कभी आपने सुना होगा किंडरगार्टन एजुकेशन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट मेड, कभी आपने सुना होगा ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, समझ आ गया, कभी आपने सुना होगा आंगनवाड़ी एजुकेशन, बालवाड़ी एजुकेशन, कृषि एजुकेशन। ये सारे नाम बेटा एसोसिएटेड है किसके साथ, किसके साथ, प्राइमरी प्राइमरी एजुकेशन के साथ। लेकिन जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है वो कहते हैं कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, इट इज दैट एजुकेशन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्म ऑफ द मदर टिल इट अटेन्स द एज ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दैट मीन, व्हेन अ चाइल्ड इज कंसीव्ड, व्हेन अ चाइल्ड इज कंसीव्ड इनसाइड द वर्म ऑफ द मदर, तो चाइल्ड, जो मदर जो है, मदर स्टार्ट करती है टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। तो जो मदर रेस्पॉन्सिबल होती है ना, किसको लेकर, बच्चे को लेकर, वहीं से एजुकेशन स्टार्ट होती है बच्चे की। तो कभी हम कहते हैं कि प्री प्राइमरी एजुकेशन का जो एज है ना, वो स्टार्ट होता है जीरो से लेकर, कभी कभी हम 3 साल लिखते हैं, या जीरो से लेकर हम लिखते हैं 6 साल, 6 years, ओके, 0 to 3 years एंड 0 to 6 years। इसका मतलब क्या है, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स 6। इसको प्री क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज बिफोर यू एंटर इनटू द प्राइमरी स्कूल, बिफोर यू एंटर इनटू द एलिमेंट्री स्कूल। और यहां पे आप देखो पोस्ट, जब आपका प्राइमरी कंप्लीट हो जाता है, तब आप सेकेंडरी एजुकेशन पे जाते हो। सेकेंडरी एजुकेशन का दूसरा नाम क्या है, पोस्ट प्राइमरी एजुकेशन। तो इट्स कॉल्ड प्री प्राइमरी एजुकेशन, इट्स कॉल्ड पोस्ट प्राइमरी एजुकेशन, और इनका जो मिडवे है, दैट्स द प्राइमरी एजुकेशन। आई होप बेटा द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सो अगर ये जरूरी है कि कल जाके ना 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, डिफाइन प्री प्राइमरी एजुकेशन, एंड आप आराम से इसको लिख सकते हो अब, है ना, वेरी गुड। तो अगर आप अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन, मैं स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसमें सारा मेंशन होगा कि प्री प्राइमरी एजुकेशन को किन किन नामों से जाना जाता है। अब इसको बेसिक स्कूल एजुकेशन भी कहते हैं, बेसिक प्राइमरी एजुकेशन,
बेसिक प्राइमरी एजुकेशन भी इसको कहते हैं। आप गांधी जी को याद करो, उसने कहा कि सेवन, वो प्राइमरी एजुकेशन को बात करता है, लेकिन उसने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन को जाने से पहले आपका जो फंडामेंटल बेसिक नीड है, बेसिक एजुकेशन है, दैट इज प्री प्राइमरी एजुकेशन। और अगर आपका प्री प्राइमरी एजुकेशन सही है तब जाके आप प्राइमरी एजुकेशन में एंटर कर सकते हो। ठीक, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अब जो प्राइमरी एजुकेशन की जो मीनिंग है उसको देखते हैं। डायरेक्टली हम आपको ले चलते हैं, जस्ट अ सेकंड माय डियर, वेट। हां, तो देखिए यहां पे क्वेश्चन जो है, देखिए हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है प्री प्राइमरी एजुकेशन। यहां देखो ये एक कमीशन है, इसको कोठारी कमीशन कहते हैं। और कोठारी कमीशन, चूंकि आपने फिफ्थ फोर्थ सेमेस्टर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि इंडियन एजुकेशन कमीशन का जो दूसरा नाम है दैट इज कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन क्या कहता है ये हमेशा याद रखना बेटा प्लीज। कोठारी कमीशन की डेफिनेशन प्री प्राइमरी एजुकेशन की, देखिए प्री प्राइमरी एजुकेशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, टू द फिजिकल इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्यों, क्योंकि ये वो एजुकेशन है जिसमें हम ग्रेट इंपॉर्टेंस देते हैं फिजिकल एस्पेक्ट को, इमोशनल एस्पेक्ट को और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट को ऑफ चिल्ड्रन, एस्पेशली दोज विद अनसेटिस्फैक्टरी होम बैकग्राउंड। देखिए भाई बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, आप ये जो बच्चे को केयर करना है, अरे यार वो बच्चा देखो जो किसी स्लम एरिया में पला बड़ा है या किसी ऐसी फैमिली में जो बिल्कुल ब्रोकन फैमिली है, जिनके पास माँ और बाप एक साथ नहीं है, लड़ाई झगड़ा एटसेट्रा, तो वो बच्चा देखो किस कंडीशन में सरवाइव करेगा। तो देखो वो बच्चे जो अनसेटिस्फैक्टरी होम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, खासकर उन बच्चों के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम देखेंगे ना, ये प्री प्राइमरी एजुकेशन पहले से ही सिस्टम में नहीं था। वैदिक पीरियड आप पढ़ो या जो भी पीरियड सा पढ़ते हैं, वहां पे एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट होता है 8 साल के बाद। लेकिन जो फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर था एजुकेशन का बिफोर 3, 4, 5, वो तो वहां पे कॉन्सेप्ट नहीं था ना। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई प्री प्राइमरी एजुकेशन को भी अंडरस्टैंड करना है, ये भी एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है एजुकेशन का। चलिए एनीवेज आपको ये समझ आ गया कि भाई अगर आप बच्चे की ग्रोथ चाहते हो, अगर आप बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट चाहते हो, अगर आप बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट चाहते हो, तो भाई प्राइमरी एजुकेशन को सिग्निफिकेंट माना जाता है फिर। तो यू हैव टू टेक द प्राइमरी प्री प्राइमरी एजुकेशन वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। तो यू डोंट हैव टू इग्नोर द चाइल्ड, आपको बच्चे को इग्नोर नहीं करना है जो बच्चा 3 साल का है। पर ये जरूरी नहीं है यार आप इसको किसी इंस्टीट्यूशन में डालो, नो। एज अ फादर, एज अ मदर, यू कैन टीच टू द चाइल्ड। आप बच्चे को वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हो, वो सारी चीजें दे सकते हो जो इंस्टीट्यूशन वाले देंगे। भाई आप क्यों नहीं देंगे, पेरेंट क्यों नहीं देंगे? तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मदर्स एजुकेशन। यस, इट इज मदर्स एजुकेशन एंड लेस इट इज फादर्स एजुकेशन, बिकॉज फादर remains mostly out of the home, so it is the more responsible person is here, mother. So that's why it is called mother's education, right? Pre-primary education very important. अब देखिए बच्चा, अगर हम meaning की बात करेंगे, देखो simple तरीके से ये जो book मेरे पास है ना, इसको मैं note में provide करूंगा इंशाल्लाह, आप tension मत ले। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है कि ये वाली जो बुक है ये आज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे हैं इनको मैं कट शॉर्ट करूंगा और आपके लिए प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो भाई सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, और इस प्री प्राइमरी एजुकेशन को बहुत सारे कंट्रीज क्या कहते हैं, नर्सरी एजुकेशन भी कहते हैं। देखिए नर्सरी एजुकेशन बोलो या प्री प्राइमरी एजुकेशन बोलो, एजुकेशन ऑफ द प्री प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, एजुकेशन इंपार्टेड टू चिल्ड्रन बिफोर एडमिटिंग देम इनटू प्राइमरी स्कूल इज नोन एज
प्री प्राइमरी एजुकेशन, मैं अभी तो बोल रहा था ना जब मैंने वो चार बॉक्सेस लिखे थे प्री प्राइमरी प्राइमरी, मैंने कहा प्री प्राइमरी एजुकेशन इज द एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड बिफोर प्राइमरी एजुकेशन। बिफोर प्राइमरी एजुकेशन जो एजुकेशन आप बच्चे को दे रहे हो, एजुकेशन का मतलब क्या है, बच्चे को आपने सिखाना है खाना कैसे खाना है, टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें अगर आप उसको सिखा दो ये भी यार एजुकेशन ही है ना। एजुकेशन का मतलब है आप बच्चे का बिहेवियर मॉडिफाई करना चाहते हो, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स ऑल्सो कॉल्ड होम एजुकेशन, या इट इज ऑल्सो मदर्स एजुकेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड होम एजुकेशन, सही है ना, वेरी गुड। दस प्री प्राइमरी और प्री स्कूल एजुकेशन इज प्री रिक्विजिट टू प्राइमरी एजुकेशन, वेरी गुड। प्राइमरी एजुकेशन में बच्चा जब जाएगा उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है, प्री प्राइमरी एजुकेशन। आप बच्चे को फर्स्ट क्लास में एडमिशन देना लेना चाहते हैं उसका, आप वो एडमिशन लेने जा रहा है लेकिन उसको पहले बेसिक्स पढ़ाएंगे वहां पे, जो बेसिक्स आपने उसको घर में सिखाया होगा, तो घर में जो आप सिखाते हो वही तो प्री प्राइमरी एजुकेशन है। इन्हें प्राइमरी एजुकेशन को जाने के लिए इसको थोड़ा बहुत नोहा होना चाहिए कि मुझे एजुकेशन में स्कूल में क्या करना है, तो दैट इज व्हाई प्री रिक्विजिट फॉर प्राइमरी एजुकेशन। नंबर नेक्स्ट, प्री प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड टू हिज एंट्रेंस एट द एज ऑफ 5 or 6 इनटू फर्स्ट ईयर्स ऑफ प्राइमरी स्कूल। ये तो मैं बोल रहा था, जो मैंने बोला ये वही बिल्कुल यहां पे है। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है ये स्टार्ट कहां से होता है, व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न एंड टिल ही रीचेस टू द एज ऑफ 6 और पहला साल प्राइमरी स्कूल का। सिंपल, वेरी सिंपल वाला। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूं, एनीवेज मुझे कोई शिकायत नहीं मिलेगी, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ रहा होगा, है ना। इफ रियली यार क्या बात कर रहे हो यार, लाइक तो करो और जल्दी से मुझे कमेंट चाहिए, जितने ज्यादा आप मुझे कमेंट्स करोगे ना मैं वैसे ही रेगुलरली क्लासेस आपके लाऊंगा। अगर मुझे आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मैं भी बोलूंगा यार खाली मुझे क्लास देना है तो आपका रेस्पॉन्स मुझे काम आ रहा है, तो जितना ज्यादा रेस्पॉन्स आप मुझे दिखाओगे ना उतना ज्यादा मैं अपने आप को प्रिपेयर करूंगा क्लास के लिए। अगर आप लोगों से मुझे कम रेस्पॉन्स मिला तो फिर मुझे बार बार मत कहना कि सर क्लास दो। More the response from your side, more I will share my knowledge with you. Okay, this is my commitment. Fine. दूसरा point अब देखेंगे, it includes parental education. अभी तो मैं बोल रहा था education at home, ये भी तो ये लफ्ज भी मैंने इस्तेमाल किया, home education, mother's education, not father's education. You can say parental education क्योंकि parent में सबसे ज्यादा it's a mother that has a great role to play in what? प्री प्राइमरी एजुकेशन, ये बात तो मानना पड़ेगा, ठीक। एंड प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर एंड अर्ली इन्फेंसी ट्रेनिंग, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की। नाउ यहां पे आप थोड़ा बहुत ध्यान में रखेंगे, ब्रॉडली स्पीकिंग प्री प्राइमरी एजुकेशन बिगिंस फ्रॉम कंसेप्शन एंड कंटिन्यूज टिल द चाइल्ड्स कंपल्सरी स्कूलिंग कमेंसेस। या तो व्हेन यू ब्रॉडली सेज, व्हेन यू कॉम्प्रिहेंसिवली व्हेन यू स्टडी द प्री प्राइमरी एजुकेशन, आप कहते हो कि ये जो प्राइमरी एजुकेशन ये कब स्टार्ट होती है, कब स्टार्ट होती है, जब शाबाश जब बच्चा कंसीव होता है फ्रॉम द मदर्स वॉम, तब जाके ना जो मदर होती है ही स्टार्ट्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सारी चीजें मैंने यार आपके साथ डिस्कस की है, अब आपके साथ ये स्लाइड शेयर कर रहा हूं, अदरवाइज मैंने सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की है। ओके, गांधी कहता है, गांधी रिमार्क्ड द रियल एजुकेशन बिगिन्स फ्रॉम द कंसेप्शन as the mother begins to take up the responsibility of the child. This is very much important. Beta, I request all of you, agar aap logon ka ye question exam mein aata hai, to ye Gandhian definition jo hai na, please don't forget it. This is very important. So this is the meaning of what we called as pre-primary education. Inshallah, pre-primary education ke baad, hum isko thoda bahut dekhenge ki bahut sare वेस्टर्न आउटलुक डिफरेंट है, इंडियन का अलग कॉन्सेप्ट है प्री प्राइमरी एजुकेशन का, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह टुमारो आई विल बी टेकिंग वन मोर पार्ट ऑफ इट, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ
प्री प्राइमरी एजुकेशन। आई होप बेटा आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया। इफ रियली माय डियर, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट अपडेट्स एंड लेक्चर्स। और हाँ हाँ, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द लिंक बिलो, ओके, जो ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप दैट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। थैंक यू, मेरा ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।